आपको जो जिम्मेवारी सौंपी थी उसमें क्या हुआ भूपेश? चल रहा सर काम, अभी इंटर्न्स का ऑनबोर्ड हो गया लगभग। हाँ, अभी दो तीन दिन में उनका टास्क, फर्स्ट टास्क खत्म होने के बाद हम क्रिमसन को पूरा क्रेड आउट कर रहे। पहले मतलब जो R&D टीम है मेरी वो करेंगे क्रेड आउट उसका। कुछ अभी तक आपको क्या समझ में आया क्रिमसन का जो है ना रोल मॉडल क्या है? क्रिमसन का सर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सर्विस दे रही है तो उसे क्या पैसा दिए जा रहे हैं सर? जो उनको जो पैसा दिया जा रहा है, जैसे मेरी बात सुनो पहले सर। मेरा ये कहने का मतलब है यदि उनको पैसा दिया जा रहा है तो वो पैसा किस तरीके से दिया जा रहा है? इसे टास्क बेसिस पे दिया जा रहा है, एनुअल दिया जा रहा है, क्या इसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था? हाउ दे सिलेक्टेड क्रिमसन फॉर दिस वर्क? क्योंकि ये बड़ा काम है। नंबर वन। नंबर टू, वेदर द क्रिमसन वुड बी कलेक्टिंग एनुअल डाटा ऑफ सॉइल? नाउ क्वार्टरली डाटा सर, क्वार्टरली डाटा सर, एंड इट विल कंटिन्यू क्वार्टरली अपडेट करेंगे? नहीं, आई मीन इसका मतलब है कि आज जो सैंपल लेंगे उसके चार महीने बाद फिर से दूसरा सैंपल लेंगे? अभी तो इनिशियली मैंने जो जहां पे मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, जहां पे प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, वहां पे जो केयर टेकर है जो डिवाइस की उनके, उसको 445 रुपीज देते पर मंथ। और ये जो है ब्रिस्क ऑलिव और क्रिमसन दोनों के एमओ मतलब कंबाइन करके काम कर रहे हैं। जो ब्रिस्क ऑलिव है कंपनी जो दिल्ली में, पहले इसमें अपन को ये समझना पड़ेगा कि ये डाटा क्या क्या कलेक्ट कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 राइट। उसमें सॉइल का एलिमेंट, सॉइल का एलिमेंट तो तब आएगा ना जब हम उसे टेस्ट करेंगे सर। तो उसमें हम जो है ना प्रेजेंस ऑफ केमिकल चेक कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स जो है ना कर सकते हैं, उसकी कितना ह्यूमस है, कितना उसमें फाइबर वो है, वो सब चीजों को अपन उसमें टेस्ट कर सकते हैं। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर बीइंग कलेक्टेड? सर ये लोग ना तीन तरह से काम कर रहे हैं। ये लोग दो डिवाइस देते हैं वो इंडिविजुअल को जो केयर टेकर है जिस एरिया का, एक घर के बाहर लगता है, घर के अंदर लगता है डिवाइस। देखो एक चीज आप समझ रहे हो, ये डिवाइसेस घर के अंदर और घर के बाहर लगेंगे तो ये जो है ना क्लाइमेटिक कंडीशन को कैप्चर कर पाएंगे राइट सर। ये सॉइल के हेल्थ को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। सॉइल सर ये लोग क्या करते हैं, क्वार्टरली एक बार ना सॉइल 1 किलो मंगाते हैं, जो पैकेट प्री पैक देते हैं, स्टाम्प देते हैं और एक डिब्बा देते हैं और एक फॉइल पेपर टाइप का देते हैं, उसमें मिट्टी भर के ये वापस देते हैं, उनको कंपनी को भेजते हैं। तो जो वो कहां भेजते हैं और वहां पे क्या टेस्टिंग होती है? क्योंकि देखिए देखिए हम सब लोग जो है, हम सब लोगों की नियत खराब है सर। अब यदि अज्यूम करिए कि हमें जो पेमेंट जो भी मिल रहा है तो हम कहीं से भी सैंपल लेके भेज देंगे आपको। वो जो है ना सैंपल कलेक्ट कर रहा है, वो कष्ट उठा रहा है कि उसने उसी जगह से सैंपल लिया है, इसके लिए उन्होंने उस सिस्टम में क्या प्रावधान किए? वो तो सर नहीं, ये देख अपन को देखना पड़ेगा ना सर। सर क्योंकि अपन ये नहीं होने देंगे ना, अपन तो अपन अपने सिस्टम से जो ना ये काम करने के मूड में है ना। क्राइम फ्री भारत जो है ये जो है ना सॉइल डाटा खुद ही कलेक्ट कर लेगा। हाँ, जहां से आप मिट्टी उठा रहे हो वहां का जियो टैगिंग होना चाहिए। नहीं तभी वहां पे वहां का जियो टैगिंग होना चाहिए। जिस फार्मर के फील्ड से उठा रहे हो उस फार्मर का नाम और उसका उसका टैगिंग में आना चाहिए सर। वो फील्ड कितना बड़ा है उसकी जियो फेंसिंग होना चाहिए सर, और डेट टाइम लोकेशन के साथ उसको स्टैंपिंग होना चाहिए। हाँ, वो सबसे बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जानते नहीं तो अदरवाइज गार्बेज विल बी क्रिएटेड। एंड हाउ दिस डाटा इज बीइंग यूज्ड सर? भाई हम डाटा किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं? पब्लिश करने के लिए? क्या क्या हमारा डाटा कलेक्शन इज मेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मैप्स जिसको ये फिर यूज करना हो कर ले? या वी आर हैविंग 1-to-1 प्रिस्क्रिप्शन फॉर ईच टाइप ऑफ सॉइल सर? तो क्या सॉइल कैटेगरीज में बांटी गई है? इज इट मेकिंग सेंस सर? राइट सर। तो मुझे लगता है कि इन चीजों पे आप काम करिए जरा जल्दी से, और जो टीम काम कर रही है उसके बजाय खुद ही लग जाइए। इतने मैं खुद ही करा रहा हूं सर, मतलब मैं डेली मॉनिटरिंग अपडेट लेकर रहता हूं उनका। नहीं लेकिन फिर इतना समय नहीं लगना चाहिए ना, कोई बहुत सर। ये तो छोटी चीजें हैं ना, इसमें कुछ बहुत थोड़ी है, उसको तो अंडरस्टैंड करना है जी सर। और इनके जो है ना कुछ मेंबर्स से बात कर सकते हैं, जो कलेक्ट कर रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनके तो उनका उनकी अपनी एक टीम भेज दो साला जो है ना, वो खुद या किसी को भेज के जो है ना उसका बाकायदा इंटरव्यू वगैरह ले लो कि आपका मशीन कौन सी लगी है, कहाँ लगी है, कैसी लगी है, आप डाटा क्या है, कंपनी के पास चले जाओ भाई इस डाटा का आप यूज क्या कर रहे हैं
क्योंकि देखिए मतलब यदि हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और स्टेटिस्टिक्स में छाप रहे हैं तो इससे तो किसी का इमीडिएटली भला होना नहीं है ना. राइट सर. हाउ दैट डाटा इज बीइंग कन्वर्टेड एज एन एसेट फॉर द कंट्री, हाउ वी आर टेकिंग माइक्रो लेवल डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा. सो एंड सॉइल का जो भी डिग्रेडेशन है, क्या हम उस डिग्रेडेशन को एड्रेस करने के लिए एंटीडॉट तैयार कर रहे हैं क्या सर? क्योंकि अब हमने ये मान लिया है कि क्राइम फ्री भारत जो है का मॉडल को हमने थोड़ा सा अभी चेंज किया है. राइट सर. अब जैसे मान लो आप लोग हैं, आप लोगों को कुछ मिल तो रहा नहीं है सर, कितने समय तक आप लोग अपना इंटरेस्ट बरकरार रखेंगे क्राइम फ्री भारत के लिए? तो हम आगे के वो मॉडल क्यों ना लाएं जिसमें रेवेन्यू फ्लो हो. राइट सर. सर जिसमें कि जो फरियादी जिसको अपन रिलीफ दे रहे हैं वो उसको उसका टोकन पेमेंट पे वी कैन इंश्योर के हम एंड टू एंड उसको सॉल्यूशन दिलाएंगे सर. राइट. अभी वो जगह जगह भटक रहा है, आने जाने में उतना पैसा खर्च कर रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है. आई डोंट नो आपने मेरा सुना है कि नहीं सुना है कि हाउ क्राइम फ्री भारत विल फोर्स इवन द स्टेट गवर्नमेंट. सर सुना है सर, सुना है सर. टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द क्राइम सर, मतलब आगे चल के सरकारों की औकात के बाहर होगा कि वो अपराध का पंजीयन ना करें. औकात के बाहर होगा सर, समझ गए. बिकॉज इट इज द सोवरेन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सर. वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी जो उसे शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री 2 में दी है sir. उसका पालन नहीं कर रही है सर. यदि उसका पालन करने में स्टेट गवर्नमेंट अक्षम है तो दिस इज ए इंडिकेशन कि इट इज ए फेलोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सर. और ऐसी सरकारों को ध्वस्त करने का प्रावधान उसी संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 356 सर. तो जो सरकार जो है जिन राज्यों में FIR नहीं लिखी जा रही है उनको ध्वस्त किया जाए सर. यदि हम एक सरकार को भी ध्वस्त कर देंगे sir. तो आप मुझे बताइए किसी की औकात है कि वो बात ना माने? बिल्कुल सर. डू यू एग्री विथ मी? यस सर. तो ये व्यवस्था जो है ना तैयार करना होगी और हमें बहुत फास्ट चलना होगा सर. ये जो है ना इस तरीके से इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बांटने से हमारा कोई कल्याण नहीं होने वाला है सर. चाहे हमें जो है ना ऐप बनाना हो, चाहे पोर्टल बनाना हो, ये हम समय सीमा में पैदा करें. राइट. लेटर ऑन जो है जो भी क्राइम फ्री भारत से जुड़े वो चाहे वो एडवोकेट्स हों तो वो बकायदा अपने सिग्नेचर में पूरा कंटेंट पढ़ के मैंने जो है ना इसको पढ़ा है और मेरे जो है ना लीगल ज्ञान के हिसाब से ऐसा ऐसा है, ठीक है ना. एंड देन दैट कंटेंट एंड एवरीथिंग शुड गो अंडर सेक्शन 39 ऑफ CRPC सर. जो संज्ञेय अपराध यदि आपके संज्ञान में आता है तो हम में से सभी की जिम्मेवारी है कि हम उसे पुलिस को रिपोर्ट करें. बिल्कुल. तो फरियादी की बजाय हम जाके रिपोर्ट करते हैं ना, अपने अपने जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करते हुए सर. डू एग्री विथ मी? यस सर. और फिर सामने वाले से कहें भैया तेरी भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू वेलसा के तोप नहीं है. मतलब SHO की जिम्मेवारी है अंडर 154(1) राइट सर. और ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजन में इन ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP सिक्वल डिसीजन में ये बात बार बार एपेक्स कोर्ट ने इसको रिपीट किया है कि यदि कंटेंट से संज्ञेय अपराध बनता है तो उसे पंजीयन करना पुलिस की जिम्मेवारी है सर. देयर कैन नॉट बी एनी प्लेजर डॉक्ट्राइन, देयर कैन नॉट बी एनी सेटिस्फेक्शन डॉक्ट्राइन. राइट सर. तो जो प्लेजर वर्ड है दैट हैज बीन टेकन अवे बाय द वर्च्यू ऑफ द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द अपेक्स कोर्ट. राइट सर. तो आज यदि कोई आपके संज्ञेय अपराध का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है तो ही इज वायलेटिंग और ही इज कमिटिंग कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. तो हम जो है उसको यदि लॉकेज सभी प्रावधानों को यदि हम उसको करते हैं, डाटा कंपाइल करते हैं, यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो है अकाउंटेबिलिटी लाते हैं, यदि हम जो है बाद में लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी लाते हैं, मेंबर्स के सहारे हम इंडिविजुअल थानेदार के विरुद्ध, इंडिविजुअल SPs के विरुद्ध, जिलों के विरुद्ध स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सरकार से पूछेंगे कि आप एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे और क्यों नहीं लेंगे. राइट सर. क्या ये सब ये आपके जो है ना रिप्रेजेंटेटिव हैं? आप क्या आपकी सह पे वहां बैठे हुए हैं?
बिल्कुल सर, राइट सर। तो मुझे लगता है कि जब तक हम देखो धैर्य के साथ इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे सर, ये आपको क्या लगता है कि क्राइम फ्री भारत कहेगा और ये तत्काल केस रजिस्टर कर लेंगे? ये बिल्कुल नहीं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर। हाँ। राइट, तो हमारे पास ये पूरी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, लीगल स्ट्रेटेजी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजी, लेजिस्लेटिव स्ट्रेटेजी, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेटेजी एंड फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेटेजी। इन पांच स्ट्रेटेजीज के तहत हम उनको बहुत आसानी से घेर पाएंगे सर। तो वो करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा, ये जो है ना बेसिकली somebody has to do, और कोई तो करेगा नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि पत्रकार है वो अपना छाप के अपने मालिक के हिसाब से चलता है सर। तो आपके पास क्या रह गया है? इसका मतलब है कि आपको अपने ही सर, अपने ही औकात पे करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि कोई भी डिजिटल मीडिया किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर आता है सर, हर डिजिटल मीडिया। आई एग्री, इसका मतलब है कि आपकी जो जर्नलिस्ट हैं जिनको फोर्थ पिलर कहते हैं ऑफ डेमोक्रेसी, वो अब फोर्थ पिलर नहीं रह गए, तो सभी पिलर आपस में जो है ना वो घिरे हुए हैं। एग्जीक्यूटिव जो है ना वो उनके 100% डोमिनेशन में है, राइट? बिल्कुल सर। लेजिस्लेशन तो वो खुद ही है, राइट? जुडिशरी को उन्होंने काफी हद तक जो है ना अपने कब्जे में करने की कोशिश की है सर। आप जर्नलिज्म है नहीं, तो चार ही पिलर तो आपके पास है। बिल्कुल सर। हाँ, तो अब आपको पांचवा पिलर बन के उभरना होगा सर, राइट? एग्जैक्टली सर। तो वो पांचवा पिलर बनने के लिए आपको पहले समृद्धि भी साथ में लाना पड़ेगी सर। यदि लोगों के पेट खाली होंगे तो वो आपके साथ खड़े होने की बजाय पहले अपने पेट की चिंता पालेंगे सर। तो हमें उनके पेट भरने की चिंता पालेंगे। दस बाय जो है अभी पिछले 2-3 दिन से हमने अपनी टोन एंड टेनर और स्ट्रेटेजी बदली है। वी आर कमिंग आउट विद द CFB मॉडल फॉर अवर्डेंस, ए जर्नी टू अवर्डेंस सर, राइट? तो आई डोंट नो आपने कुछ वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे हैं इस बारे में? अभी 2-3 महीने देखा नहीं सर अभी। अच्छा, कोई आपने एक आध भी वीडियो देखा जर्नी टू अवर्डेंस है? वो नहीं दिखा सर, वीडियो वाला फेस नहीं दिखा। हाँ, देखिए आप, एक आध देखिए, अभी अभी दो दिन में जो है ना उनका वो हुआ है, एंड नाउ दैट जर्नी विल बी कंटिन्यूइंग। तो अभी 10 तारीख को भी है एक, फिर 16 को भी है, फिर 20 को भी है। सो वी आर अप्रोचिंग एवरीबडी, क्योंकि उन सभी फोर्सेस को अपन को साथ में लाना पड़ेगा जो कि ये काम करेंगी, क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? और आप इन बच्चों के सहारे भी नहीं कर सकते, ये बात आपको 100% क्लियर होना चाहिए, राइट? हमें रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर अच्छे स्टार्टअप को अपने साथ लेना चाहिए सर। और अपन में जो है बिना किसी भय के जो सही बात है वो कहने की हिम्मत होना चाहिए। वी आर नॉट हियर टू टो द लाइन ऑफ एनी पार्टी सर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी पार्टी बनी रहे, सही ना? चाहे DMK हो, चाहे ADMK हो, राइट? या उड़ीसा में आपकी वहां की कौन सी पार्टी है? बीजेपी बनता वाला सर। हाँ, तो BJP वगैरह जो भी है, हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी लाइन से, क्योंकि वो सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो गए। यहाँ तो 25 साल से नवीन पटनायक बैठे हैं। हाँ, तो अभी उन्होंने कुछ ना कुछ तो गुल खिलाए हैं कि जो ना लोग उन्हीं को ही जिता रहे हैं सर। अभी है सर, अभी पॉलिटिक्स अलग चीज है, जगह पे लोगों की, मैं यही कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स जो है ना मूर्ख बनाना क्यों होना चाहिए सर? पॉलिटिक्स देश का भला करना क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर। पॉलिटिक्स देश का, देश को के हर नागरिक को कैसे समृद्धशाली बनाए, ये क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे यहाँ पे IAS थे सर, अपरेजर सडंगी, उन्होंने स्कूल का ढांचा सुधार दिया सर। जो स्कूल में इनडिसिप्लिन थे ना, जो टीचर्स, वो सरप्राइज करके उनको सस्पेंड करने लगे, कहीं भी कभी भी पहुंच जाते थे। और नहीं, देखो नहीं, मैं आपको बताऊं, इस तरह की कार्रवाइयों से ज्यादा भला नहीं होगा। मैं जाते हूं उसके बाद में सर, उसके बाद ना एक दो महीने बाद सारे टीचर अपने आप हो गए। 2-3 स्कूल में हुआ ना, बाकी सब। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो सर, मेरा कहना है कि जो सारंगी जी हैं, कल उनका ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं नहीं, उसके बाद ना उन्होंने जॉब छोड़ दिया और भुवनेश्वर के MP है, अभी मेंबर पार्लियामेंट है BJP से है। तो BJP के नेता बनने के बाद फिर उन्होंने पॉलिसीज में वो चीज क्यों नहीं डाल पाई जो उन्होंने अजय IAS की थी? तो वही ना, क्योंकि इनके अभी पावर में अलग चीज है अभी। तो इसका मतलब है कि जो अच्छा व्यक्ति है, जो अपने ब्यूरोक्रेटिक करियर में भी अच्छा काम कर सकता है, यदि वो किसी पार्टी की तरफ से यदि इलेक्ट हो जाएगा,
तो वो उसकी जवान भी बंद हो जाएगी, उसकी काम भी बंद हो जाएगी, तो बेहतर होगा कि सारंगी जो है एमपी नहीं बनते और जो है वो एज ए ब्यूरोक्रेट बने रहते या एज ए एक्स ब्यूरोक्रेट जो है उसमें आगे लड़ाई में आगे बढ़ते। अच्छा अभी दूसरी दूसरी बात है कि सस्पेंशन या बाकी सब चीजें दीज आर द नी जर्क रिएक्शन, हमारे सिस्टम में वो क्वालिटी वो होना चाहिए। सो व्हाट आई फील कि हमारी टू सैलरी होना चाहिए, राइट हमारा मिनिमम परफॉर्मेंस डिफाइंड होना चाहिए, राइट सर, आप मिनिमम परफॉर्मेंस को अक्वायर कर लेते हैं तो आपको बेस सैलरी मिलनी चाहिए, राइट सर, फिर देन द सेकंड जो ना सैलरी होना चाहिए परफॉर्मेंस रिलेटेड सैलरी। तो परफॉर्मेंस अकेला हाजिरी नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस नॉलेज होना चाहिए, परफॉर्मेंस जो है ना एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस होना चाहिए, राइट सर। तो और उसमें जो है ना देयर शुड बी सम सिस्टम जहां पे कि इंटर स्कूल्स जो है ना कॉम्पिटिशन्स हो, राइट अच्छा, जिसमें कि इंटर स्कूल्स का सर मैं अभी करने वाला हूँ, प्लानिंग करके रखा है मैंने, पहले स्कूल के कराऊंगा फिर इंटर स्कूल के मैं कुछ कराऊंगा, मतलब जो क्राइम फ्री भारत मिशन को ना आगे बढ़ाने के लिए बच्चों के दिमाग में भरना पड़ेगा कि हम चाहते क्या है, तभी वो आगे जाके सर वो इस थीम को समझ पाए और आगे इजी हो चीजें सर, हमें समझाने की जरूरत न पड़े आगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो आप ये बताइए कि जो है जो टीचर है अभी आप क्या कर रहे हो कि वो स्कूल भी नहीं जा रहा है तो आप सस्पेंड कर रहे हो, राइट सर सर, मतलब आप उसको ले दे के स्कूल में घुसा पा रहे हो, राइट सर सर, व्हाट अबाउट व्हाट इज द इंटरेक्शन व्हाट ही इज टेलिंग सर, मतलब क्यों नहीं जो है ना स्कूल में जो है हाउ ही इज कंडक्टिंग द क्लासेस ये ध्यान में रहे सर, वो जो है ना क्लास में जो पढ़ा रहा है वो सत्य हो। अच्छा दूसरी बात यह है कि व्हाट अबाउट जो है ना जो चीजें आपने खुद डिस्टॉर्ट कर दी है, चाहे हिस्ट्री हो तो बेचारा वही तो पढ़ाएगा जो उसके सिलेबस में लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट बुक में है, बिल्कुल तो हमें तो उस पर डिबेट करके टेक्स्ट बुक से जो चीजें गलत है उनको ठीक करने की जरूरत है सर। और जिन लोगों को इसके लिए पद्मश्री और पद्म भूषण मिला है उनको यदि वो मर गए हैं तो उनके जो प्रोपोनेंट हैं उनको कन्फ्रंट करना चाहिए सर। और इसके लिए हमें खुद जो है रिसर्च करना पड़ेगी, भावनात्मक बात कहने से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू बी इविडेंस बेस्ड, वी हैव टू बी रिसर्च बेस्ड, राइट सर सर, हमें जो बात कहना है चाहे वो हम विदेशों की लाइब्रेरी में जाएं यहाँ पे, या क्योंकि यहाँ पे तो वो चीजें गायब कर दी गई है ना सर, तो ये तो विडंबना की विषय है ना कि देखिए यहाँ के फोर्सेस कितने बदमाश है, कितने मक्कार हैं कि देश का प्रधानमंत्री एक फॉरेन सॉइल में उसकी डेथ होती है, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में होती है, उसका बदन नीला पड़ जाता है, उसकी खुद की पत्नी जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट करती है और उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है, वही ना नहीं, तो हु आर दोज फोर्सेस सर, कुछ तो है सर, नहीं हु आर दोज फोर्सेस, नहीं नहीं उन पर जाना पड़ेगा ना, रिसर्च करना पड़ेगी ना, हुआ दो फोर्सेस, उन फोर्सेस को यदि हम दंडित करने की स्थिति में नहीं है तो कम से कम उनको एक्सपोज तो किया जाए सर, एक्सपोज करने के लिए सर डिजिटल एविडेंस सबसे जरूरी है सर, नहीं डिजिटल फिजिकल सभी एविडेंस लिया जाए, उसको जो है ना कैप्चर किया जाए, उसके ऊपर जो है ना किताबें लिखी जाए, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए और उसको जो है ना कैसे सिलेबस में हम उसको फिर से मॉडिफाई करें, एंड लेट देयर बी वन इंडिपेंडेंट प्रेस हमारे साथ, देखिए मेरा है? कोई इंडिपेंडेंट प्रेस है हमारे साथ जो ये सब जो है ना सिलेक्टिव लोग हैं, बहुत कोई अपने साथ में कुछ नहीं है, तो अपनी ही आर्मी है, अपन खुद ही आर्मी है वाली बात, समझ गया ना सर, सो इट इज एक जन सैलाब, हमें अपनी ताकत से खड़ा करना पड़ेगा और यही कारण है कि मैंने ये महसूस किया है कि हम थ्योरी ऑफ हेल्थ वेल्थ और अबंडेंस के ऊपर ले जाएं। अभी देखिए हमारी सब चीजें जो है वो स्केर्सिटी पैदा करने में लगी है, हम कंस्पायरेसी करके, देखो हमने वाटर को पॉल्यूट करके स्केर्सिटी का एक ड्रामा क्रिएट कर दिया और हम उसको पानी को बॉटल वाटर में बेचने में सफल हो गए, राइट सर, अभी हमने अपने जो है ना वायु को बहुत पॉल्यूट कर दिया है, दिल्ली बिल्ली में तो कई बार हो चुका है कि जब कहते हैं कि साहब इतना खराब इस समय वायु है कि आप बच्चे जो है ना स्कूल ला जाएं, राइट ओके ठीक है, तो
पूरी पूरी फोर्सेस लगी हैं कि हाउ वी कैन गो टू द स्केरसिटी राइट नाउ एक टाइम आ गया है कि हम इन प्रोसेसेस को रिवर्स करें लेट्स ब्रिंग द अबंडेंस बैक ठीक है ना तो इन उन वीडियोस को देखिए ध्यान से और ये देखिए कि इसमें आपकी खुद की क्या भूमिका हो सकती है हम उन लोगों को पहचाने जिनका जीवन जो है तपस्या रहा है जिन्होंने सही रूप से ग्राउंड पे काम किया है और उनकी तपस्या जो है वो फलीभूत नहीं होने दी गई है उस तपस्या को और उन तपस्वियों को अपने साथ जोड़े उनसे प्रार्थना करें और उनको साथ लेके इस देश में वो परिवर्तन लाएं जो हम सोच रहे हैं ठीक है ना सर चलो जय हिंद जय हिंद सर थैंक्स फॉर कॉलिंग सर